पुलिस प्रशासन ने राजस्व विभाग और नगर पालिका के साथ मिलकर डकैत के घर बुलडोजर चला दिया। प्रशासन ने कहा कि इस कार्रवाई के जरिए हम ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि जो भी व्यक्ति इस तरह के अपराध करेगा उसके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। पुष्कर सिंह धामी सरकार में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के चचेरे भाई शीशपाल अग्रवाल के घर पर दिन दहाड़े बदमाशों ने डकैती की। पुलिस ने इस मामले में खुलासा करते हुए बताया कि शीशपाल अग्रवाल के परिचित ठेकेदार महबूब ने साजिश रचकर इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने महबूब और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया था। अब पुलिस प्रशासन ने आरोपी महबूब के घर पर बुलडोजर चला दिया। पुलिस ने कहा कि आरोपी महबूब का घर सरकारी जमीन पर बना हुआ था। पहले भी उसे नोटिस देकर जगह खाली करने के लिए कहा गया, लेकिन अतिक्रमण नहीं हटाए जाने के कारण ये कार्रवाई की गई है। डोई वालों ने पिछले साल एक डकैती के यहाँ दिन दहाड़े डकैती की गई थी, जिसमें ये मुलजिम सब सामने आए थे, तो जिसमें ये महबूब नाम का मुलजिम है जो मास्टरमाइंड के सामने, और इसके अलावा मुजफ्फरनगर कांधला और अन्य जनपदों यूपी के जनपदों के मुलजिम थे, जिनको जिनमें से 10 मुलजिमों में से 8 को गिरफ्तार करके और 2 मुलजिमों की घर कुर्की कर दी गई है। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निःशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रुपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।